अच्छा, देन जो सेकंड स्टेप है डिज़ास्टर मैनेजमेंट का, दैट इज़ द ड्यूरिंग डिज़ास्टर मैनेजमेंट. पहले पहले वीडियो में हमने देखा था कि बिफोर प्री डिज़ास्टर मैनेजमेंट के हमने 7 स्टेप्स सीखे थे पोस्ट कोर्ट के निमोनिक से. अब हम इसी तरह ड्यूरिंग डिज़ास्टर मैनेजमेंट के भी 7 स्टेप्स ही हैं, वो भी देखेंगे. बट बिफोर दैट हमने लास्ट वीडियो में 2 टॉपिक्स छोड़ दिए थे, दैट इज़ डिज़ास्टर मिटिगेशन एंड डिज़ास्टर प्रिपेयरनेस. तो अच्छा, हम शायद इसमें कन्फ्यूज हो सकते हैं कि डिज़ास्टर रिस्पॉन्स में और डिज़ास्टर मिटिगेशन और प्रिपेयरनेस में क्या डिफरेंस है. तो डिज़ास्टर रिस्पॉन्स तो हमेशा आफ्टर द अकरेंस ऑफ डिज़ास्टर ही होगा, ये मैं बताऊँ चीज़ में कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, ठीक है. लेकिन जो डिज़ास्टर मिटिगेशन है और जो डिज़ास्टर प्रिपेयरनेस है, दीज बोथ आर अकरिंग बिफोर द अकरेंस ऑफ द डिज़ास्टर इट्सेल्फ, ठीक है. अच्छा, डिज़ास्टर मिटिगेशन में हम क्या करते हैं, हम इसमें ना मिटिगेट करना क्या करते हैं, टू रिड्यूस और टू एलिवेट. तो टू रिड्यूस द डैमेज डन बाय विच कुड बी डन बाय अ डिज़ास्टर इज कॉल्ड डिज़ास्टर मिटिगेशन. में क्या होता है कि इन्वॉल्व्स अ मेजर्स डिज़ाइंड आइदर टू प्रिवेंट द हैजर्ड्स फ्रॉम कॉजिंग इमरजेंसी, के हैजर्ड्स विच हैव द पोटेंशियल टू कॉज डिज़ास्टर, उनको उसको प्रिवेंट करने के लिए तो हम ये मिटिगेशन स्टेप्स करते हैं, और टू लेसन द लाइकली इफेक्ट्स ऑफ इमरजेंसीज, ठीक है. या तो प्रिवेंट हो, और अगर हो तो लेसन हो जाए इफेक्ट्स. ये होगा डिज़ास्टर मिटिगेशन में. जो इंपॉर्टेंट हम काम कर सकते हैं, दैट इंक्लूड्स इंप्रूव्ड बिल्डिंग कोड्स, रिडक्शन और प्रोटेक्शन ऑफ वल्नरेबल पॉपुलेशन, जैसे फ्लड प्रोन एरियाज से हम पॉपुलेशन को इवैक्यूएट कर लें, या अप्रोप्रिएट लैंड यूज़ प्लानिंग, ठीक है. लैंड को इस तरह से यूज़ करें कि उसके नियर कोई हैजर्डस ऑब्जेक्ट या मटेरियल ना हो, ठीक है. अप्रोप्रिएट लैंड यूज़ प्लानिंग एंड फ्लड मिटिगेशन. तो 4 चीज़ें, इंप्रूव्ड बिल्डिंग कोड्स, रिडक्शन और प्रोटेक्शन ऑफ वल्नरेबल पॉपुलेशन एंड स्ट्रक्चर्स, अप्रोप्रिएट लैंड यूज़ प्लानिंग एंड फ्लड मिटिगेशन. 4 स्टेप्स किसमें आते हैं, डिज़ास्टर मिटिगेशन में आ जाते हैं. दैन डिज़ास्टर प्रिपेयरनेस में हम बात करते हैं उन लॉन्ग टर्म गोल्स की, उन लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ की, हुज गोल्स आर टू स्ट्रेंथन द ओवरऑल कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी ऑफ द कंट्री टू मैनेज ऑल टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज. में सारे वो लॉन्ग टर्म गोल्स, पॉलिसीज और इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस, वो सब कुछ आ जाता है डिज़ास्टर प्रिपेयरनेस में, जो गवर्नमेंट लेवल पर हो रहा होता है, एक बड़े स्केल पर हो रहा होता है, ठीक है. एंड इसमें हम ये मेक श्योर करते हैं कि अगर डिज़ास्टर हो, इनकेस होता है, तो हम किस तरह से उसको रिलीफ प्रोवाइड करेंगे, दैन हम रिकवरी करेंगे उस एरिया के, एंड देन बैक टू सस्टेन डेवलपमेंट हम कैसे जाएंगे, दैट इज़ अ डिज़ास्टर प्रिपेयरनेस. अच्छा, उसमें तो जस्ट हम मतलब इमरजेंसी को रिलीव करते हैं ना डिज़ास्टर मिटिगेशन में. प्रिपेयरनेस में हम उसकी यू कैन से रेनोवेशन, मतलब एक बार अगर हो गया तो उसकी हम रेनोवेशन कह लें, या उसको बैक टू नॉर्मल किस तरह हम लेकर जाएंगे, जो उसके स्टेप्स होते हैं, दैट इज डिज़ास्टर प्रिपेयरनेस. ऑब्जेक्टिव ये है कि टू इंश्योर अप्रोप्रिएट सिस्टम्स, प्रोसीजर्स, रिसोर्सेज आर इन प्लेस टू अवॉइड द प्रॉपर असिस्टेंस इन टू डिज़ास्टर विक्टम्स. और इसमें जो कॉर्नर स्टोन्स होते हैं, कम्युनिटी मेंबर्स होते हैं, रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन होती है. रिस्क टास्क उसके बहुत वेग से लिखे हुए हैं कि एवेलुएट द रिस्क ऑफ द कंट्री टू डिज़ास्टर, अडॉप्ट स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेशंस, ऑर्गेनाइज कम्युनिकेशन, इन्फॉर्मेशन एंड वार्निंग सिस्टम, ठीक है. इंश्योर कोऑर्डिनेशन एंड रिस्पॉन्स मैकेनिज्म, डेवलप पब्लिक एजुकेशन प्रोग्राम्स, ऑर्गेनाइज सिमुलेशन एक्सरसाइजेस, कोऑर्डिनेट इन्फॉर्मेशन सेशन. ये हम देख सकते हैं, मतलब जो भी कुछ भी हमें प्रिपेयर करेगा बस वो, ठीक है. हम कम्युनिकेशन को ऑर्गेनाइज करें, कोऑर्डिनेशन करें, ये बेसिकली ना ये पोस्ट कोविड वाले स्टेप आ जाते हैं सारे, सिमुलेशन एक्सरसाइज, इन्फॉर्मेशन. अच्छा, मेन जो टॉपिक है ना, वो है हमारे पास प्री डिज़ास्टर मैनेजमेंट का, या डिज़ास्टर रिस्पॉन्स. अब अगर डिज़ास्टर हो गया है तो उसके हमारे पास 7 स्टेप्स हैं. नंबर 1, अगर कहीं पर डिज़ास्टर हो तो उसका हम सबसे पहले हम क्या करेंगे उसके लिए. अच्छा, ये निमोनिक्स बनाया मैंने, बट निमोनिक्स डोंट रियली वर्क फॉर मी एक्चुअली. अच्छा, एक डिज़ास्टर हो गया तो सबसे पहले हम उस एरिया को सर्च करेंगे, रेस्क्यू करेंगे सर्वाइवर्स को, और हम उनको फर्स्ट एड प्रोवाइड करेंगे, ठीक है. आफ्टर मेजर डिज़ास्टर हैज़ अकर्ड, देयर इज़ अ नीड फॉर सर्च, रेस्क्यू एंड फर्स्ट एड, ठीक है. और मोस्टली जो है ये काम करते हैं, ये जो सर्वाइवर्स होते हैं वही बाकी के विक्टिम्स को सर्च कर रहे होते हैं, देन उनको रेस्क्यू करना, मतलब कि उनको किसी सेफ जोन में लेकर जाते हैं, देन उनको फर्स्ट एड प्रोवाइड करते हैं. ये हो गया. सेकंड स्टेप इज़ अ फील्ड केयर. एक बार अगर एक सर्वाइवर फॉर एग्जांपल एक सेफ जोन में आ गया, देन वो फॉर एग्जांपल पहुंच गया हॉस्पिटल में, तो वहां पर जो स्टाफ है और जो रिसोर्सेज हैं वो भी अवेलेबल होने चाहिए, जिसमें बेड अवेलेबिलिटी है और सर्जिकल सर्विसेज हैं, दे शुड बी मैक्सिमाइज्ड, दैट इंक्लूड्स द फील्ड केयर. देन इंफॉर्मेशन सेंटर शुड बी एस्टैब्लिश्ड सो एज टू कॉन्टैक्ट द फैमिलीज ऑफ द सर्वाइवर्स और द विक्टम्स, ठीक है, पेशेंट के रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को कॉन्टैक्ट करने के लिए. ट्रायज सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट फॉर इफेक्टिव, यू कैन से इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर टू द विक्टम्स. एंड इससे होता क्या है कि ये ट्रायल सिस्टम ये कहता है कि दैट विक्टम्स विल नॉट बी कैटर्ड ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट कम फर्स्ट गेट फर्स्ट ट्रीटेड बेसिस, और रादर दे आर ट्रीटेड ऑन द बेसिस ऑफ सिवियरिटी ऑफ देयर इंजरी एंड द लाइवलीहुड ऑफ देयर सर्वाइवल विद
प्रॉपर मेडिकल इंटरवेंशन, ठीक है, सिवियरिटी ऑफ इंजरी के बेस पर और लाइकलीहुड ऑफ सर्वाइवल के बेस पर हम उनको ट्रीट करते हैं ट्रायज सिस्टम के लिए, ठीक है। और जब हम वही कहते हैं कि तीन मेन कैटेगरीज हैं ट्रायज की, जो रेड कैटेगरी इंडिकेट द हाई प्रायोरिटी ट्रीटमेंट है जिनको फॉरन ट्रांसफर की ज़रूरत है, ठीक है, येलो में मीडियम प्रायोरिटी विक्टम्स होते हैं, ग्रीन में एम्बुलेटरी पेशेंट्स होते हैं, ब्लैक में डेड या वो पेशेंट्स होते हैं जिनको ट्रीट कर भी लिया जाता है उनका प्रोग्नोसिस बहुत पुअर है, ठीक है, तो दे आर इन द ब्लैक जोन, ठीक है, तो उन पर टाइम और रिसोर्स वेस्ट करने की जरूरत नहीं है इफ़ दे आर दे डोंट हैव अ गुड सर्वाइवल परसेंटेज और इंडेक्स इंडेक्स अच्छा नहीं है, या हमें वो सोर्सेज किसी ऐसे पेशेंट पर लगाना चाहिए जिनको इसको इमीडिएट केयर के थ्रू हम उसको लाइफ सेव कर सकते, तो हम उसको देना चाहिए। एडवांटेज ये है कि इट इज़ द ओनली अप्रोच जिसके जरिए हम मैक्सिमम बेनिफिट प्रोवाइड कर सकते हैं टू द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ इंजर्ड विक्टम्स। फिफ्थ स्टेप इज द टैगिंग। अब एक बार हमारे पास एक पेशेंट एक विक्टम आ गया, हम टैग करने से उसका नेम होगा, उसकी एज होगी, प्लेस ऑफ ओरिजिन होगा, उसकी ट्रायज कैटेगरी होगी, पाँच चीज़ें होंगी, ठीक है, नेम, एज, प्लेस ऑफ ओरिजिन, सॉरी छः चीज़ें, नेम, एज, प्लेस ऑफ ओरिजिन, ट्रायज कैटेगरी, इनिशियल डायग्नोसिस एंड इनिशियल ट्रीटमेंट, या जो भी फर्स्ट एड उसको प्रोवाइड की गई हो हमें उसको पर लिख देना, ठीक है, नेम, एज, प्लेस ऑफ ओरिजिन, ट्रायज कैटेगरी, डायग्नोसिस एंड इनिशियल ट्रीटमेंट। सिक्स इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेड। जितना हमने विक्टम्स जो सर्वाइवर्स उनको कैटर करना जरूरी है, उतना ही ज़्यादा हमें डेड बॉडीज़ को भी आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है, तो उसमें हमने एक तो चार पांच स्टेप करते हैं। नंबर वन इज़ द रिमूवल ऑफ द डेड फ्रॉम द डिज़ास्टर सीन, ठीक है, क्योंकि वो कंटेमिनेशन कर सकते हैं वहाँ पर, ठीक है, एक तो उनको डिज़ास्टर सीन से हमने इवैक्यूएट करना है, सेकेंड उनको फिर शिफ्ट करना है मॉर्चरी में, थर्ड उसको आइडेंटिफाई करना है, फोर्थ उनके रिलेटिव्स को कॉन्टैक्ट करके उनको बॉडी दे देनी है, और अगर रिलेटिव नहीं आते तो हमने उसको प्रॉपर बरियल करना है उस बॉडी का, ठीक है, एंड देन वही हेल्थ हैजर्ड भी एसोसिएटेड है, अगर उनको कैडावर को रिमूव नहीं करेंगे टाइम में तो कॉन्टेमिनेशन हो सकती है एरिया की। सेवन स्टेप इज़ द ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन की जानी चाहिए विक्टम्स टू प्लेसेस आउटसाइड द डिज़ास्टर एरिया। डेफिनेटली उनको फील्ड केयर तभी प्रोवाइड की जाएगी जब वो डिज़ास्टर एरिया से बाहर निकल चुके होंगे, तो हमने सेवन स्टेप्स उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। नंबर वन वॉज द सर्च रेस्क्यू एंड फर्स्ट एड, नंबर टू वॉज द फील्ड केयर, नंबर थर्ड वॉज द इन्फॉर्मेशन केयर, नंबर फोर्थ वॉज द ट्रायज, नंबर फाइव वॉज द टैगिंग, नंबर सिक्स वॉज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डेड, एंड नंबर सेवन्थ वॉज द ट्रांसपोर्टेशन। तो दीज आर द स्टेप्स जो कि ड्यूरिंग डिजास्टर हम लेते हैं फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। आई होप इट वॉज ईजी एंड अंडरस्टैंडेबल।